बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षकों को एक नई खबर मिलने वाली है कि हर महीने उन्हें 8 तारीख तक वेतन अगर जो पदाधिकारी नहीं देंगे उनसे शुद्ध सहित राशि वसूल की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, राज्य के शिक्षा कार्यालयों में राशि की उपलब्धता के बावजूद कर्मचारियों को हर माह की 8 तारीख तक वेतन नहीं मिलने पर जिम्मेवार अधिकारी से शुद्ध की राशि वसूल होगी। आपको बता दें कि राज्य शिक्षा कार्यालयों में राशि की उपलब्धता के बावजूद कर्मचारियों को हर माह कि 8 तारीख तक वेतन नहीं मिलने पर जिम्मेवार अधिकारियों से शुद्ध की राशि वसूल की जाएगी, उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। इससे संबंधित दिशा निर्देश भी विभाग के अपर सचिव सह निदेशक संजय कुमार द्वारा राज्य के सभी प्रमंडलों के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तथा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को सोमवार को निर्देश जारी कर दिया गया है। तो आदेश के मुताबिक नियमित कर्मचारियों के वेतन के साथ साथ संविदा कर्मियों के मानदेय का भी भुगतान हर माह की 8 तारीख तक किया जाना है। आवंटन के लिए समय रहते राशि की मांग निदेशालय एवं विभागीय बजट शाखा से करने का निर्देश भी दिया गया है। शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।